अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महविश और आप देख रहे हैं टेस्ट ऑफ लाइफ। आज आपके साथ शेयर करूंगी चिकन पराठे की रेसिपी। बहुत ही मज़े का क्रिस्पी सा रोल तैयार होता है, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। आइए स्टार्ट कर लेते हैं फिर रेसिपी को। यहां देखिए, आधा किलो मेरे पास बोनलेस चिकन है और मसालों में हमें चाहिए होगा 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून हमें आमचूर चाहिए होगा, 1 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून सॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1 टेबलस्पून लेमन जूस, 2 टेबलस्पून योगर्ट, 1 टेबलस्पून ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। इन सब मसालों को चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं मसाला अच्छी तरह मिक्स हो चुका है चिकन के साथ। आए चूल्हे की तरफ चलते हैं और इसको पका लेते हैं। आँच आपने मीडियम रखनी है, मीडियम आँच पे आपने इस चिकन को पकाना है। ऑयल बिल्कुल इस्तेमाल आपने और नहीं करना है, जो 1 टेबलस्पून हमने इसमें ऑयल डाला था उसी में चिकन हमारा तैयार हो जाएगा। इसे कवर कर देंगे और 15 मिनट में हमारा चिकन इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। 15 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं चिकन हमारा तकरीबन जो है गल चुका है। थोड़ा सा पानी इसमें रहता है, आँच हम हाई कर देंगे, हाई फ्लेम पर हम पानी को जो है एवेपोरेट कर लेंगे। आप देख सकते हैं चिकन के अंदर जो पानी था बिल्कुल खुश्क हो चुका है, हमारा चिकन बिल्कुल तैयार है। इसको साइड पे रख देते हैं। इस रेसिपी में 2 सॉस की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूंगी, तो आइए वो बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए होममेड खट्टी मीठी इमली की चटनी है मेरे पास, ये सबको बनाना आती होगी। जिनको नहीं बनाना आती वो मेरे पेज से इसकी रेसिपी ले सकते हैं, मैंने अपलोड की हुई है। इसमें 2 टेबलस्पून भर के मेयोनीज़ ऐड कर देंगे और इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। और आप देख सकते हैं खट्टी मीठी हमारी एक सॉस तैयार हो चुकी है, इसको भी साइड पर रख देते हैं। आइए दूसरी सॉस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखें होममेड ग्रीन चटनी है मेरे पास, ये सबको बनाना आती होगी। जिनको बनाना नहीं आती वो इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर जाकर ले सकते हैं, मैंने अपलोड की हुई है पहले से। इसमें भी 2 टेबलस्पून भर के मेयोनीज़ ऐड कर देंगे, दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हमारी जो ग्रीन सॉस है वो भी तैयार हो चुकी है। थोड़ा सा मैंने इसमें ग्रीन कलर ऐड कर दिया था खूबसूरती के लिए, अगर आप नहीं करना चाहते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। आइए पराठे की डो बनाना स्टार्ट करते हैं। पराठे की डो बनाने के लिए हमें 1 कप आटा चाहिए होगा और 2 कप हम मैदे का इस्तेमाल करेंगे और 1 टीस्पून नमक डालेंगे, 1 टीस्पून चीनी का इस्तेमाल करेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और 1 टेबलस्पून हमें दही चाहिए होगी और नीम गर्म पानी से हम इसको गूंद लेंगे। ज़्यादा नरम डो नहीं गूंदनी है, थोड़ी सख्त डो जो है हम गूंदेंगे। आटा आप देख सकते हैं मैंने गूंद लिया है। अब इसमें 1 टेबलस्पून भरकर ऑयल डालेंगे और ऑयल के साथ भी इस आटे को अच्छी तरह गूंद लेंगे। पराठे की डो हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है, इसे कवर करके आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं। आधा घंटा हो चुका है और आटा हमारा बिल्कुल तैयार है पराठे बनाने के लिए। एक पेड़ा ले लेंगे और थोड़ा सा इसको इस तरह हाथ पर फैला लेंगे और इसमें थोड़ा सा घी डाल देंगे, देसी घी है ये मेरे पास, और इसको इस तरह क्लोज कर लेंगे। आप कोई भी बल वाला पराठा बना सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आप यही बल वाला पराठा बनाएं जो मैं बना रही हूँ। मुझे ये ज़रा आसान भी लगता है, ये इजी भी है और इससे बड़े मज़े के पराठे बनते हैं। लेकिन अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो आप कोई भी जो आपके घर में बनते हो आप उस तरह पराठे की शेप दे सकते हैं और उसी तरह के बल वाले पराठे बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं पेड़े मैंने बना लिए। अब हाथ की मदद से इन पेड़ों को आपने फैलाना है, बेलने का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप बेलने का इस्तेमाल करेंगे तो जितने भी इसके अंदर हमने बल दिए हैं वो सब बैठ जाएंगे और बिल्कुल ही बल वाला जैसे पराठा होता है वो नहीं बनेगा। और ज़्यादा पतला भी आपने नहीं बेलना है, ज़रा मोटा मोटा आपने पराठे को बेलना है और ऑयल लगाकर आपने इसको फैलाना है। तो आप देख सकते हैं मैंने हाथ की मदद से जो है रोटी को बेल लिया है। आए इसको तवे पर डालते हैं। बहुत ही मज़ेदार पराठा हमारा तैयार हो चुका है। ये पराठा ऊपर से बहुत क्रिस्पी होता है, अंदर से बहुत मुलायम और सॉफ्ट होता है, क्योंकि इसकी डो गूंथते हुए हमने 1 टेबलस्पून दही का इस्तेमाल किया था। तो दही की वजह से जो ये पराठा है ऊपर से बहुत क्रिस्पी बनेगा और अंदर से बहुत सॉफ्ट और मुलायम होगा। तो आप दही का इस्तेमाल ज़रूर करना है इसकी डो में। तो पराठा तो हमारा हो गया तैयार, आए हम अपना चिकन पराठा रोल बनाना स्टार्ट करते हैं। पराठे की जो ऊपर वाली साइड होती है वो आपने नीचे रखनी है, जो उसकी बैक वाली साइड होती है आपने उसके ऊपर ये सब चीज़ें डालनी हैं। तो सबसे पहले हम अपनी सॉस डालेंगे और जो हमने चिकन तैयार किया था वो डाल देंगे। इसके ऊपर हम दूसरी खट्टी मीठी सॉस डालेंगे और सब्ज़ियों में से प्याज का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसके अंदर लेटस भी डाल सकते हैं, टमाटर भी डाल सकते हैं, जो भी आप डालना चाहें, और इसको रोल कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितने मज़े का हमारा चिकन पराठा बिल्कुल तैयार है।
इसको आप खट्टी मीठी चटनी के साथ और हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।